आज का हमारा टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है, आखिर उसका हम यूज जो है क्यों करते हैं, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हम यूज़ करते हैं तो उनमें कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अप्लाई करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट के लिए, फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो उनमें सबसे पहले आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू जो डाटा है वो एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, और उसी के थ्रू पता चलता है कि कंपनी की जो कॉस्ट एफिशिएंसी रेशियो है वो क्या चल रहा है। फिर उसी हिसाब से मैनेजमेंट कंट्रोलिंग की और प्लानिंग की जो है पॉलिसी जो है फॉर्म करता है। इसके बाद सेकेंड टूल होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस को तैयार करने की एक स्टैंडर्डाइज कॉस्ट जो है फिक्स कर देते हैं कि लगभग ये कॉस्ट इसकी आनी चाहिए, स्टैंडर्ड बना देना जिसे कहते हैं, कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो सर्विस है इसकी पर यूनिट बनाने में इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद फिर ये देखा जाता है कि एक्चुअल में ये कॉस्ट कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। अगर कम आ रही है तो ये माना जाएगा कि जो काम हो रहा है वो इफेक्टिवली हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है, और अगर कॉस्ट उससे ज़्यादा आ रही है तो ये माना जाता है कि कंपनी जो है उसमें काम इफेक्टिवली नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट जो है वो हमारी वर्किंग स्टाइल की वजह से ज़्यादा आ रही है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तय करने से ये पता चल जाता है कि वर्क जो है वो एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ये निकालनी होती है, बनानी होती है, इसको तैयार किया जाता है। तो ये एक टूल है जिसके थ्रू हम एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करने में। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है इसमें बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है कि इसमें एक बजट एलोकेट किया जाता है पर्टिकुलर टास्क के लिए, और फिर ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए बजट का कितना इफेक्टिवली यूज़ किया गया है, उसी बजट लिमिट में टास्क पूरा हुआ है या उससे ज़्यादा की फिर डिमांड की गई है या उससे कम में पूरा किया गया है। अगर उससे ज़्यादा डिमांड की जा रही है इसका मतलब ये है कि काम उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, काम में कहीं ना कहीं ऐसी कमियाँ रही हैं जिसकी वजह से बजट कम पड़ गया है, और अगर उस बजट में ही काम पूरा हो जाता है तो ये माना जाता है कि जो बजट हमने बना के दिया था उसमें इफेक्टिवली काम किया गया है और बजट के अंदर ही काम पूरा किया गया है। तो ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड बना देना है, पहले से ही फिक्स कर देना है कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कितना जो है बजट अलॉट किया गया है और उसके अकॉर्डिंग काम कितने जो एफिशिएंटली है उसके तरीके से किया गया है। तो बजटरी कंट्रोल करने के लिए पहले बजट तैयार किए जाते हैं। ये भी एक टूल्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जिसके थ्रू हम जो फ्यूचर में होने वाली वर्किंग है उसकी आसानी से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी अप्रोच है जिसमें प्रोडक्ट की वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का एनालिसिस करके देखा जाता है कि जो कंपनी को प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, और उसके बिहाफ पर कंपनी को फ्यूचर में आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ऑफर्स हैं, वो लेने में कितनी ज़्यादा जो है कंपनी को इजी रहेगा, उसमें कितना कंपनी जो है कम कितने जो है लेवल पर कंपनी काम कर सकती है, शटडाउन कॉस्ट कंपनी की क्या होगी, अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में काम कम हो जाता है तो उस समय कंपनी को क्या लॉसेस होंगे, कंपनी को चलाए रखना फ़ायदेमंद होगा या कंपनी को शट करने में फ़ायदेमंद होगा कुछ टाइम के लिए, या जिस टाइम कंपनी के जो है सीजन हाइक पे होगा उस समय कंपनी की जो प्रोडक्शन है उसको किस लेवल तक बढ़ाया जा सकता है, नई नई कैपेसिटी किस लेवल पर हमें पड़ेंगी। तो ये सब जो कैलकुलेशंस हैं ये तभी निकल सकती हैं जब हम कंपनी के प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्जिनल कॉस्टिंग कर लें। तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू मैनेजरियल कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें फंड फ्लो एनालिसिस।
फंड फ्लो एनालिसिस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंड्स होते हैं उनके फ्लो का एनालिसिस किया जाता है कि फंड इनफ्लो और आउटफ्लो किन किन सोर्सेस और किन किन एप्लीकेशन में किए गए हैं। इसके थ्रू मैनेजर जो एफिशिएंसी है उसको चेक किया जाता है कि फंड्स कहाँ कहाँ से रेज हुए हैं फर्म को और उन फंड्स का किन किन जगहों पर यूज किया गया है। तो ये एक तरह से पिक्चर क्लियर कर देता है कि फर्म के यूज का कितना इफेक्टिवली यूज हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें डिसीजन अकाउंटिंग। डिसीजन अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि जैसे इसके नाम से ही है डिसीजन अकाउंटिंग, इसमें डिसीजन लिया जाता है और वो भी अकाउंटिंग कैलकुलेशन के बेसिस पर। सपोज कीजिए फर्म किसी प्रोडक्शन लेवल पर काम कर रही है और हर कंपनी की अपनी एक कैपेसिटी होती है मैक्सिमम काम करने की और अधिकतर कंपनियां अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से थोड़ा कम पर ही काम करती हैं, फुल कैपेसिटी पर बहुत ही कम काम करती हैं। तो कई बार क्या होता है कंपनी के पास में कुछ ऑफर्स आते हैं बाहर से या किसी पर्टिकुलर मार्केट से कि आप हमें इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटीज दे दीजिए और इस रेट पर दे दीजिए। तो वहां पर कंपनी जो है अकाउंटिंग यूज करके उसमें टेक्निक्स लगा अकाउंटिंग टेक्निक का यूज करके ये देखती है कि उस प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है और जो फ्यूचर जो प्राइस हमें ऑफर किया गया है क्या उस प्राइस पर हम वो जो क्वांटिटी मांगी गई है क्या हम उसको जो है उनको सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो डिसीजन लेने होते हैं इस तरह के डिसीजन जो है वो डिसीजन अकाउंटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि ऑफर एक्सेप्ट करने से हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अगर जो है उसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो तो उस ऑफर को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये काम डिसीजन अकाउंटिंग में होता है। तो ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू मैनेजर जो है डिसीजन लेते हैं और उनको मैनेजर कंट्रोल करने में आसानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है इसमें स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके फ्यूचर प्रोडक्शन की जाती है, फ्यूचर में आने वाली प्रोडक्ट की डिमांड सेल्स इनका एनालिसिस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाता है। और ग्राफिकल टेक्निक से हम ये देखते हैं कि पास्ट में और फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या उनका जो है एफिशिएंटली कंट्रोल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो कंपनी की एसेट्स होती हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है और रिवैल्यूएशन करके देखा जाता है कि कंपनी के एसेट्स की क्या वैल्यू रह गई है। उसी के अकॉर्डिंग कंपनी की एक वेल्थ निकाली जाती है और उसी के हिसाब से कंपनी के जो फ्यूचर प्लान हैं जो फ्यूचर पॉलिसीज हैं उनको जो है फॉर्म किया जाता है। तो इस तरह से ये सब टेक्निक हैं जिनका यूज जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है फॉर मैनेजर्स। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या बेसिक से डिफरेंस है। द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग डाटा टू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाइल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द इंटरनल प्रोसेसिंग यूज्ड टू अकाउंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन। दोनों में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें हम फाइनेंशियल डाटा को कलेक्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं जो कि मैंडेटरी भी होते हैं और जिनके थ्रू हमें फर्म की जो है एक्चुअल पोजीशन पता चलती है, फर्म की एसेट्स लायबिलिटी वेल्स तो शेयर होल्डर फंड्स प्रॉफिट लॉसेस ये सब मालूम पड़ते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि एक इंटरनल प्रोसेसिंग है, कंपनी के बाहर की प्रोसेसिंग नहीं है, इंटरनल प्रोसेसिंग है। ये मैनेजर्स के लिए की जाती है अकाउंटिंग, इसलिए इंटरनल प्रोसेसिंग में कहलाती है। इसमें हम अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज जो है बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए और एक एफिशिएंट कंट्रोलिंग करने के लिए करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका यूज तो हम केवल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए करते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूज है वो हम कंट्रोलिंग के लिए और प्लानिंग के लिए करते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है और एक सिमिलैरिटी भी है बहुत बेसिक सी कि दोनों ही डिपेंड होते हैं अकाउंटिंग डाटा पर। जो अकाउंटिंग डाटा होता है उसी पर डिपेंड होती है दोनों अकाउंटिंग। द फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर। अब इसमें आगे देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स ओनली अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ कंपनी ट्रांजेक्शन
Whereas management accounting deals in the company operations and examine various ways to increase profit by eliminating issues. Financial accounting का जैसे मैंने बताया है कि financial information को record करना होता है main काम, जबकि management accounting का काम होता है कि firm की जो problems हैं, जो issues हैं, उनको eliminate करके अपने profit को increase करना. तो फर्म की जो स्मूथली रनिंग है उसको बनाना और कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन को बनाना, ये काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. सेकंड जो इसमें डिफरेंस है वो है रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फोकस्ड ऑन द क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी शेयर्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड टू पब्लिक. इसका जो काम होता है बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर होते हैं जो कंपनी में जिनका बेनिफिट होता है, जिनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, तो उन सबको जो है सेटिस्फाई करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसकी रिपोर्टिंग की जाती है. इसमें सब आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, डिवेंचर होल्डर्स भी आ जाते हैं, बैंक भी आ जाता है, गवर्नमेंट भी आ जाती है, अकाउंट जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी आ जाता है, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टेक होल्डर में. और जो पब्लिक होती है उसको भी रिपोर्ट देनी होती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फोकस्ड ऑन द ऑपरेशनल रिपोर्टिंग टू बी शेयर्ड विद इन ए कंपनी. और इसमें क्या होता है कि ऑपरेशनल रिपोर्टिंग की जाती है जो कंपनी में मैनेजर्स को शेयर की जाती है कि उनकी जो कंपनी में परफॉर्मेंस चल रही है, जो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑपरेटिंग चल रही है कंपनी की, वो कितनी स्मूथ चल रही है, कितनी इफेक्टिवली चल रही है, और उसमें क्या क्या जो है इश्यूज हैं. इसके बाद थर्ड है इसमें एफिशिएंसी. ए बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी आर रिपोर्टेड थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जैसा मालूम ही आपको, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाती है कंपनी की. वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इज कॉजिंग ए ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम एंड हाउ टू फिक्स दैट. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बेसिकली उसका जो मेम होता है, जो उसका रिपोर्ट करना होता है, उसमें यही चीज होती है कि एक तो वो आपको कॉजेज बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, और साथ साथ ये भी बताएगा कि उनको फिक्स करने के लिए, उनको रिजोल्व करने के लिए क्या क्या किया जाना भी चाहिए. फोर्थ है इसमें स्टैंडर्ड्स. व्हेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेड फॉर इंटरनल यूज देयर इज नो रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड टू कंपाइल दैट इंफॉर्मेशन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि हम इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए तैयार करते हैं, फॉर मैनेजर्स तैयार करते हैं, इसीलिए उनको कंपाइल करने के लिए कोई स्पेशल सेट नहीं दिया गया है, स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है. इनको हम अपनी जिस हिसाब से हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, जिस हिसाब से सुटेबल हो हमारे लिए, उस हिसाब से हम उनको कलेक्ट करके जो है कंपाइल कर सकते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो. ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मस्ट फॉलो वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम क्योंकि स्टेक होल्डर्स के लिए बनाते हैं, इसलिए उसको जो कंपाइल करना होता है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू करना होता है. उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं वो फॉलो करने होते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं, उसमें हम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं. इसके बाद फिफ्थ हेडिंग है इसका फोकस. फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस टू द पास्ट टू एग्जामिन फाइनेंशियल रिजल्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड. सो इट इज हिस्टोरिकल फोकस्ड. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो डाटा इकट्ठा हो चुका है, जो पास्ट में इवेंट हो चुके हैं, उन सबको हम कलेक्ट करके उससे अकाउंट तैयार करते हैं. यानी एक तरह से ये हिस्टोरिकल फोकस्ड होती है, पिछला जो हो चुका है उसी को ही जो है ये प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लुक्स टू द फ्यूचर विद फोरकास्टिंग. जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर पर फोकस होती है. उसमें जो पास्ट में हमने जो हमारे जो डाटा इकट्ठा हुआ है, जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में कैसे उनको दूर करना है, इस बात पर इसमें फोकस रहता है. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टाइमिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड while management reports may be issued more frequently with relevant information so that they can act on immediately. इसके बाद आती है टाइमिंग की बात. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बेसिकली जो हम तैयार करते हैं हाफ ईयरली या ईयरली एंड ऑफ द ईयर तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही साल का अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसी को प्रेजेंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के सामने भी और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने भी. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमको वन ईयर एंड पे भी तैयार करना है. टाइम टू टाइम या जब भी रिक्वायर्ड हो, जब भी मैनेजर्स को रिक्वायर्ड हो कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए,
तभी हम उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दो है अकाउंटिंग से लेकर के मैनेजरियल जो जो रिपोर्टिंग होती है वो तैयार करते हैं और उनको देते हैं ताकि वो तुरंत उस पर एक्शन ले सके और उससे आगे जो अपनी पॉलिसीज में चेंजेस ला सके। तो ये जो है डायनेमिक होती है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता टाइमिंग का कि ये इतने टाइम बाद होगी, कभी भी तैयार की जा सकती है एज पर मैनेजर रिक्वायरमेंट्स। तो आज हमने जो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर जो है आज फोकस किया है, और इनमें साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, आखिर इसमें इसका जो है डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, उसको समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की डिटेल जो है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।